नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए जो 2018 में होने वाला है। इसके लिए एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सामान्य ज्ञान के जीके के हमारे क्वेश्चंस हैं, वो भी हिंदी में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी दूसरी वीडियो है ये। चलिए शुरू करते हैं। चंगेज़ खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडकोप निषद से। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजिया किस देश का नागरिक था? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? अजमेर में होता है। नेक्स्ट है, किस संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? सालार जंग संग्रहालय को। नेक्स्ट है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है वह किस देश का अभिन्न अंग है? डेनमार्क का। नेक्स्ट, संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर नाट को। नेक्स्ट, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। नेक्स्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा किस देश में पहले शुरू की गई थी? चीन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 को। नेक्स्ट है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? दो अधिवेशन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? बिल गेट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने। नेक्स्ट है, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के संबंध में चर्चित शारजाह किस देश में है? UAE में है, मीन्स दुबई। नेक्स्ट है, चेतना ऊतक के नाम से जाने वाला ऊतक कौन है? तंत्रिका। नेक्स्ट है, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2। नेक्स्ट है, हेमेराइड किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता एवं निकिल का। नेक्स्ट है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो एक जगह रखी रहती है इसीलिए। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई 1975 ईस्वी में। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें, हमें बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।